गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर 12 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स क्वेश्चन 4 मेजर द फॉलोइंग एंगल्स एंड क्लासिफाई एज एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स। तो आपकी बुक के जो एंगल्स हैं मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, वो तो ये देखो, ये पहला एंगल्स आपकी बुक का ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये देख लीजिए, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। आपको कैसे पता लग रहा है ऑब्ट्यूज? क्यों 90 से बड़ा है, 90 की तो सीधे स्ट्रेट लाइन होती है वर्टिकल डाउन की तरफ, तो ये 90 ये बाहर जा रही है, लाइन बाहर जा रही है, स्ट्रेट से बाहर जा रही है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल मींस ग्रेटर देन 90 से बड़ा, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। दूसरा जो है आपको इसमें क्लासिफाई करना है एंगल, वो मैं बना रहा हूं, ये देख लीजिए, ये और इस तरह से ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है, और 90 डिग्री के ट्राइंगल एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये यहां पर लिखा हुआ राइट एंगल, ये आ जाएगा राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड, ये जो है राइट एंगल है, ठीक है। और तीसरा जो है, जो इसमें थर्ड दे रखा है, वो जो है अभी मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं कि इस तरह से है ये देखिए ये वाला एंगल आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 90 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्यूट, एक्यूट एंगल, तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, मींस लेस देन 90, ग्रेटर देन 0। तो ये तीन टाइप के एंगल आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल एंड एक्यूट एंगल। ये जो नेक्स्ट एंगल है इसमें बुक में, ये यहां पर मैं भी बना रहा हूं, ये देख लो, ये आई है, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो ये एंगल बन रहा है, तो इसको हम एंगल का नाम भी इसको क्या देंगे, स्ट्रेट एंगल, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मींस एंगल ऑफ 180 डिग्री, जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो ये फोर्थ पार्ट है, और इसी ढंग से हम फिफ्थ पार्ट में जो आपको दे रखा है, इसमें फिफ्थ पार्ट में एक ऐसा एंगल दे रखा है कि ये देखो ये एंगल है, और ये आपको क्लियरली विजिबल है, दिखाई दे रहा है कि 90 से जो है लेस है, 90 से छोटा है, तो 90 से छोटे वाले जो एंगल को कहते हैं हम एक्यूट, तो ये एंगल हो गया एक्यूट एंगल, लेस देन 90, ग्रेटर देन 0, तो दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज फिफ्थ पार्ट ऑफ योर बुक। एंड नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4, वो ये है कि एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हूं मैं, जो कि आपकी बुक में दे रखा है, ये देखो इस तरह से, इट इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है वो इस तरह से है, ये देखो, ये एक लाइन ही है गी, और यहां पर मैं एंगल बना रहा हूं, ये देखो क्लियरली आपको एंगल दिखाई दे रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, मींस इट इज एक्यूट, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मींस ए एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरह से ये जो एक क्वेश्चन था, इसमें हमने एंगलों को क्लासिफाई करना था, फिगर को देख करके बताना है कि वो स्ट्रेट लाइन पर होगा तो 180 का स्ट्रेट होगा, अगर वो 90 से छोटा होगा तो एक्यूट होगा, अगर वो 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज होगा, और एग्जैक्टली अगर 90 का होगा तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो वेरियस एंगल यू हैव सीन इन दिस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन फिफ्थ,
क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल्स. इससे जस्ट पहले जो फोर वाला क्वेश्चन था उसमें फिगर देख करके हमने एंगल्स क्लासीफाई करने थे, फिगर देख के बताने थे कि एंगल किस टाइप का होगा. अब यहां पर हमें इनकी फिगर नहीं, यहां पर इनकी डिग्री दे रखी, तो डिग्री देख के बताना है कि ये एंगल किस टाइप से का होगा. तो वही एंगल के नाम सेम है लेकिन यहां पर डिग्री देख के बताना था और पहले वाले क्वेश्चन नंबर फोर में फिगर देख के बताना था. तो बताओ ये जो 170 है ये 180 से छोटा है, तो 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है. 90 से बड़े वाले एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज. किया जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ये आ जाएगा ऑब्ट्यूज बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 ऑब्ट्यूज. और ये जो दूसरा एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये, सॉरी ये दिखाई दे रहा है ये दूसरा वाला सेकंड नंबर पर ये आ गया, ये 215, ये 180 से बड़ा है और 300 से छोटा है, 360 से छोटा है और 180 से बड़ा है. ऐसे एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मीन्स ए एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल. तो दिस इज 215 इज अ रिफ्लेक्स एंगल. क्वेश्चन द पार्ट थर्ड 78, इट इज लेस देन 90, देयरफॉर इट इज अ एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल लेस देन 90, ग्रेटर देन 0, दिस इज एक्यूट एंगल. दिस फोर्थ वन एग्जैक्टली 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज कॉल्ड राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स एंगल ऑफ 90 डिग्री. फिफ्थ वन ग्रेटर देन 90 मीन्स ऑब्ट्यूज, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज, इट इज ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल. एंड ये जो सिक्स्थ वाला है ये पूरा एंगल एक राउंड पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तो इसे कहते हैं हम कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल 1360 का होता है, ठीक है ना, जिसमें पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है एक पॉइंट पर, वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं. और अगर एंगल 180 का होता है तो उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, क्योंकि ये सीधी लाइन के ऊपर बनता है, तो स्ट्रेट एंगल इसका नाम हो जाएगा 180 वाले का. और ये 69 है, लेट इज लेस देन 90, देयरफॉर इज एक्यूट एंगल. तो इस तरह से हमने दे एंगलों को क्लासीफाई कर दिया एज पर दियर डिग्रीज. In this way, this question is completed.